तो देखिए अपन अगर किसी की बात करेंगे, मैं कहता हूँ एल्केन्स अपन ने स्टार्ट कर दिया, तो पहले उसको अपन क्या करेंगे, बनाएंगे पहले उसको, पहले बनाएंगे अपन, बन गई अपने पास में एल्केन आ गई मान लो, तो उसको अपन देखेंगे वो फिजिकली कैसे दिख रही है, तो अपन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो उसके बाद देखेंगे वो केमिकली रिएक्ट कैसे कर रही है, उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद उसके यूज़ क्या है, और इस तरीके से अपन हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहले क्या करना है, उसको बनाना है, ठीक है। देखिए आप लोग, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन्स, पहली रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमारे प्यारे ग्रिग्नार्ड को श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, कि वो एल्केन्स ही बना सकते हैं, उनकी क्षमताएं सिर्फ एल्कोहल तक ही सीमित नहीं है, वो एल्केन्स ही बना सकते हैं। यहां देखिए प्लीज, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज बेसिकली आर एम जी एक्स वेयर मैग्नीशियम हैविंग द प्लस टू चार्ज, हैलोजन्स हैविंग माइनस, एंड टू बैलेंस दिस चार्ज दिस कार्बन हैविंग द नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाट द एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज, आर एम जी टू प्लस एक्स माइनस, हियर दिस एक्स माइनस इज बेसिकली एन हैलाइडाइन, हैलाइडाइन विद नॉबल गैस कॉन्फिग्रेशन। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 8। विद Mg2+, प्लस इट इज अगेन हैव द नॉबल गैस कॉन्फिग्रेशन, कौन सी गैस का कॉन्फिग्रेशन है, नियॉन का। Mg2+ प्लस मतलब क्या हो जाएगा, नियॉन, ठीक है। तो जो R- होता है आपके पास में, इसका मतलब है जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्या है, तो कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना कि बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और वो खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सकते हैं, कार्बन नहीं कर सकता। तो कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो कैसे ना कैसे इसको क्या करना चाहेगा, ये खत्म करना चाहेगा, और खत्म करने के लिए इसके पास में दो तरीके हैं, या तो ये बेस की तरह बिहेव करे, ठीक है, या तो ये बेस की तरह बिहेव करे, और या फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, किसकी तरह बिहेव करे, नाभिक स्नेही, बेस की तरह बिहेव किस केस में करेगा, ये किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ में जिसमें क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, मींस द हाइड्रोजन कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर वो होगा किसी भी केस में तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल वॉटर HF, ROH, NH3, एसिटिक एसिड, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बात, तो बेस की तरह का बिहेव करेगा when reacted with the compound, when reacted with compound having H plus, or we can say active hydrogen. What is the active hydrogen? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन को अपन क्या कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन, जिसमें इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, एंड न्यूक्लियोफाइल किस केस में होगा, व्हेन वी हैव द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन जब होगा आपके पास में किसी कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल द एल्किल हैलाइड, व्हेन वी हैव ए कंपाउंड
हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कार्बन, तो उस केस में क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर कोई सा भी नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसी अगर एच प्लस आयन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो बेस होता है, आपको पता ही, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेन लोरी थ्योरी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है तो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में RMGX है एंड इट इज रिएक्टेड विद द पानी, क्या हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? हाँ ऐसा बताओ क्या होगा, क्यों? एच पॉजिटिव, हर बार ऐसा ही होता है, एच पॉजिटिव देख करें। आर माइनस एमजी टू प्लस एक्स माइनस में जो रिएक्शन होती है उसमें एल्केन बनता है, क्यों बनता है? आर माइनस इज अगेन ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें हैं जो मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं, इतनी बार बताई है कि अगर मैं किसी बकरी को भी अगर ये बातें बताऊं तो वो भी शर्मा जाएगी, इतनी बार बताई मैंने आप लोगों को, मतलब वो भी कहेगी सर अब बस करो प्लीज। या किसी अगर मैं एक आलू को भी बताऊं ना, आलू को भी, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आलू की नहीं होती आंखें, आंखें होती ना आलू की, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, सर बस करो सर, इतनी बार बताया मैंने आपको, मतलब नॉन फंक्शनल आईज भी फंक्शनल हो जाएगी। तो तुम लोग बहुत बढ़िया। तो हियर वी हैव द आर माइनस एमजी टू प्लस एक्स माइनस, ये क्या करेगा, ये से जबरदस्ती करेगा कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तेरे को जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तेरे को जाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कह रहा है कि मैं सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता हूं, मैं जेम्स बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड नहीं, मैं सिर्फ हाइड्रोजन एक हाबू जैसा हूं। हाबू आप लोग जानते ही होंगे, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं तो हाइड्रोजन को पता है ना आप लोगों को क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अगर किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वहां पर क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होते हैं, क्या होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्सोथर्मिक होते हैं। मान लो ये मेरे पास में हाथ है, दो हाथ हैं और आपस में मिले, तो आपको कैसे ध्यान चला कि मिले, मेरे को गलत मत समझना भाई तुम लोग, हाथ आपस में मिले, ठीक है, हाथ आपस में मिल गए, आवाज आई इससे, ठीक है ना भाई, अगर हाथ आपस में मिल रहे हैं तो आप लोग कैसे ध्यान चला, आवाज आई, आवाज क्यों आई, क्योंकि एडिशन हो रहा है, और एडिशन क्या होता है, आप में से अगर किसी के भी आप लोग अगर आपस में चाटे मारते हो मान लो, तो मुझे ध्यान कैसे चलेगा, आवाज आएगी मुझे, क्योंकि एडिशन हो रहा है, किसके बीच में, चाटे हाथ से मारते हो तुम लोग, तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, सब लोगों के होंठ मुझे हिलते हुए दिखने चाहिए, एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक होता है मतलब एनर्जी बाहर निकलती है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं काम आएगी, कहां काम में आएगी, तोड़ देगी भाई। अगर बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड टूटते भी हैं, क्योंकि बॉन्ड कहीं नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं।
और अगर बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड टूटता है, और टूटता है तो बनता है, बनता है तो टूटता है, टूटता है तो बनता है, बॉन्ड बनता है टूटता है, ये होता रहता है, और ये केमिस्ट्री है बस, खत्म बात। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे हैं, तो मैंने आप लोग को कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, धुआं, ठीक है, तो आपस में गाना गा रहे हैं, ये धुआं धुआं सा रहने दो मुझे, ज्यादा सेंटी नहीं होना आप, ये लोग काफी सेंटी हो जाते हैं यहां से, आंखें बंद कर रहे और गाना गा रहे। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, दो नहीं बना सकता। अगर एक इसका आर के साथ में बन गया तो OH के साथ में ब्रेक करना पड़ेगा, और इस OH को खींच रहे हैं ये इधर, Mg2+ X- क्योंकि इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, इसको कह रहे हैं जिमी आ जा, अरे क्या कह रहे हैं इसको, जिमी इसको बुला रहे उधर। तो हियर वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड देयर वी हैव द इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन, समझ रहे हो बात को, दिस साइड वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड हियर वी हैव द इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन, तो रिपल्शन एंड अट्रैक्शन आर इन द सेम डायरेक्शन, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बेसिक फिजिक्स है सभी। तो OH- यहां से गया है, ये बन गया RH प्लस Mg X- OH-, दिस इज व्हाट वी गेट रिजल्ट। तो इसीलिए अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा कहां रखते हैं, ईथर में, कहां रखते हैं, क्यों रखते हैं ईथर में, क्योंकि ईथर में अगर वहां पर पानी फेंक देंगे तो वो धुआं उड़ाएगा हर फिक्र को। तो हियर वी हैव द RMgX साइमल्टेनियसली, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको आपने दारू पिला दी, दारू, अब पानी आ गया, दारू भी आएगी, दारू पानी साथ चलते हैं, आपको बताइए। तो फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव द C2H5OH, C2H5OH, टेंटी में तो कई लोग तो वो ग्लास ग्लास बाहर निकाल देते हैं, डालो से डालो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं करना है किसी को भी, कई लोग बाहर ग्लास निकाल के बैठे अल्लाह के नाम पे एक फेक बना दे, कई बैठे हैं यहाँ पे अल्लाह के नाम पे एक एक फेक बना दे, चल लाइट लाइट बना दे, कोई दिक्कत नहीं, एक फेक बना दे। तो दिस इज द अल्कोहल एंड हियर वी हैव द एक्टिव हाइड्रोजन, कौन सी हाइड्रोजन है इसमें, तो एक्टिव हाइड्रोजन को आर माइनस तोड़ देगा, मरोड़ देगा, फोड़ देगा, इतना कुछ नहीं हो रहा है, मैं मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को, ज्यादा सेंटी नहीं होना है आप लोगों को, तोड़ देगा, मरोड़ देगा, फोड़ देगा, आप लोग समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, यहाँ बॉक्सिंग नहीं चल रही है, समझे इस बात को आप लोग। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे इसके पास में, तो अब हम आए हैं तुम्हें जाना पड़ेगा, ये क्या कह रहे हैं, अब हम आए हैं, आए हैं तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, और ये कह रहा है ये गलियां ये चौबारा यहां आना ना दोबारा, ठीक है, किसको कह रहे हैं ये, C2H5O- को, बोले गलियां और ये चौबारा यहां आना ना दोबारा। तो क्या हो रहा है देखिए प्लीज, H को इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन था, एक्टिव, तो C2H5O- यहां से बाहर जाएगा बिकॉज देयर इज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड हियर वी हैव द Mg2+ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन इन द सेम डायरेक्शन विल डिस्प्लेसमेंट, तो हियर वी गेट द RH+MgxOC2H5, सो इट्स वेरी इजी, कोई डर चिंता,
तो आर माइनस एच को इलेक्ट्रॉन देगा और ये कहेगा इथॉक्साइड आयन को कि गलियां ये चोबारा, यहां तुम आना ना दोबारा वरना हम तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं अब हम आए हैं तो तुम्हें जाना पड़ेगा। और ये तो है ही फिक्स है इसका डायलॉग तो बोले तुम भेजते रहो हम जिम्मी को बुला रहे हैं, मैं कोई मतलब नहीं है जिम्मी आ जाए बस। सुना है ना आप लोगों ने गाना ये तो सर बाहर सुनाओ नहीं सुनाओ लेकिन यहां बहुत बार सुन लिया है रिवाइज होता रहता है हमारे गाना। तो दिस इज आर एच आई गेट हियर साइमल्टेनियसली इट्स वेरी वेरी इजी यू नो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सो ऑसम रिएजेंट दैट वी कैन सिंथेसाइज एनीथिंग whatever you want, but here we are trying to synthesize only the alkanes. So ammonia, आगे मान लो ammonia, ammonia आपके पास में R minus, क्या ammonia में active hydrogen है? क्या करेगा वो? Active होता रहेगा, किस बात के लिए? बोलना मत तुम लोग, अरे नीले light में करते रहे उजाला करके तमाशा दिखाने का सोने देखो सबको। तो R माइनस था आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर हुए NH2 माइनस बाहर ये बनेगा RH प्लस MgX NH2। बताओ कोई समस्या है क्या इसमें तुम्हें है क्या कोई समस्या हो तो ले आओ थोड़ा चुल्लू भर पानी हम भी डूब मरते हैं उसमें अब तुम तो क्या मरोगे। अरे इट्स वेरी इजी नाउ चलिए लिखिए इसको आप लोग। इसके अलावा अपन एसिडिक एसिड या कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे यूज करेंगे तब भी आपके पास में क्या बनेगा एल्केन ही बनेगा बिकॉज ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव द एक्टिव हाइड्रोजन। ओके समझ में आ गया नहीं आया नहीं आया अरे तुम हाँ बोलते हो ना बोलते हो ध्यान नहीं चलता आते लोगों का नहीं सर यस सर नो सर व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो और उसका पास वाला पानी की बोतल लेके आया हो दे दो उसको चुल्लू भर मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब साइमल्टेनियसली मान लीजिए आपके पास में आर एम जी एक्स है कौन सा एम जी एक्स है मतलब हमारे प्रिय हमें आशीष से आर एम जी एक्स एम जी टू प्लस एक्स माइनस इनके अभिक्रिया अगर आप आर एक्स से करवा दें किससे करवा दें आर डी एक्स नहीं लफड़ा हो जाएगा इधर आर एक्स आर एस भी नहीं आर एस सोच रहे हो लोग कह रहे हैं आर एस आर एक्स आर इसका मतलब क्या होता है एल्किल हैलाइड। सो वी नो वेरी वेल दैट दिस कार्बन इज ऐसी भाषा मत बोलो तुम ये भिखारी है ये शाहरुख खान टाइप का इंसान आशिक भी है पागल भी है भिखारी भी है। गाने एडिट होते रहते टाइम के साथ साथ हर बार बादशाह बनने की जरूरत नहीं है। तो आर एक्स आर माइनस यहां इलेक्ट्रॉन गए भाई आर के पास में जाएंगे तो जाना पड़ेगा कहां जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर के पास कैसे जाएंगे आर की तो सारी वैलेंसी पूरी है कहां जाएंगे इसके एंटी बॉन्डिंग ये रहा एंटी बॉन्डिंग ये इसको बन गया था एबीएमओ। जैसे बहुत सारे मो चल रहे हैं अभी मार्केट में बहुत सारे मो नमो नमो ये आपके इसमें कौन है
ए बी एम ओ, बहुत सारे आप लोग मुंह जोड़ सकते हो, बहुत सारे आप लोगों को भी आते होंगे कुछ एक मुंह, नहीं आते बिल्कुल भी नहीं आते, एस्किमो, और कौन कौन से मुंह याद है आप लोगों को? आप लोग सोच रहे हो सर टाइम, आप टाइम खराब कर रहे हो हमारा, मैं ऐसा नहीं कर रहा, इट्स रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएटिविटी। और कौन सा मुंह पता है आप लोग? कौन सा? आई एम ओ और मोमो। अब तब डोकोमो, वेरी गुड, डोकोमो वाज वेरी नाइस, दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। सो हियर वी हैव द भिखारी एंड हैविंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से बाहर जाएगा, जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का जो सिस्टम है वो दो ही इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से बाहर गया तो आपके पास में बनेगा आर आर प्लस एम जी एक्स टू, दिस इज आर आर। आर आर मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? नोट करिए प्लीज, रैपिड रोल का मतलब होता है मारवाड़ी में अगर आप किसी भी काम को खत्म कर देते हो, बिल्कुल बिगाड़ देते हो उसको, मतलब हद से ज्यादा, उसको अपन क्या कहते हैं? रैपिड रोल। क्या कहते हैं? अब से ध्यान रखना, इट इज वेरी कॉमन वर्ड इन द राजस्थानी। बेटा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, केमिस्ट्री सीखना है अपन, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो उस पर आप, नोट करिए प्लीज। मतलब इनको इससे मतलब ही नहीं है, ये कौन है ये, तो ये क्या है, इसके बारे में सीखना पड़ेगा मुझे, कौन सी लैंग्वेज है ये। सो प्लीज आप लोग समझ जाइए कि किस किस केस में आपके इसमें एल्केन्स बन सकता है, आइदर दे बिहेव लाइक ए बेस, तो अपन किसी एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा देंगे, और दे कैन बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, तो अपन किसी ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करवा देंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दोनों केस में आपके इसमें क्या बनेगा, क्या बनेगा? एल्केन। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, प्लस एम जी से ए बना और ए की रिएक्शन मैंने एसिटिक एसिड से करवाई तो बी बना, ए और बी क्या है? हो जाएगा सभी लोगों से ही, क्या करोगे इसमें तुम? मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा? हेट्रोलिटिकली कैसे टूटेगा? समझ ना रहे तुम, रट रखा है सब लोगों ने रिएक्शन। ये मैग्नीशियम है, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये आज तक यही करता है सालों से बिना थके, यही की काम कर रहा है, ईसा मसीह से पहले भी बाद में भी, उनसे बहुत पहले भी, उनके बहुत बाद भी, आपके मरने के बाद भी, आपकी सात पीढ़ियों के खत्म होने के बाद भी, और आपकी सात पीढ़ियों के पहले भी, मैग्नीशियम एक ही काम कर रहा है जो ये आज भी कर रहा है। क्या काम कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये हमेशा बिना थके काम करता रहता है।
दो इलेक्ट्रॉन अगर ये देगा तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर आपके पास में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। दिस बॉन्ड डेल्टा ई एन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो वी कैन से दिस बॉन्ड विल ब्रेक एज ए, कैसे टूटेगा ये मैं आपको समझाने के हिसाब से इसको सेपरेट कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता है बिना इलेक्ट्रॉन्स के आए। तो मान लीजिए आपके पास में सी एस टू पॉजिटिव चार्ज बन गया, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है खाली ऑर्बिटल, और यहाँ बन गया x माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे तो पहले तो क्या बनेगा, पॉजिटिव पे अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो चार्ज खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल, क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आया फॉर एग्जांपल, ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आके ट्रांसफर हो गया, तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी, सी एस टू चार्ज खत्म और ये फ्री रेडिकल प्लस एक्स माइनस स्टिल, एंड फ्री रेडिकल इज वॉट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्टिल, तो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर और क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, सी एस टू माइनस, यहाँ पर एक्स माइनस है ही, और इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, एम जी टू प्लस। तो वी हैव वेरी बेसिक सिचुएशन विद द कार्बेनाइन, और उस कार्बेनाइन की रिएक्शन अगर आप लोगों ने एसिटिक एसिड से करवाई जिसमें कौन है आपके पास में, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो क्या बना लेगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इट इज नॉट द टोलुइन, क्योंकि यहां पर गोला नहीं है, गोले की अहमियत समझो है तुम लोग यार, गोले की अहमियत समझो, दुनिया गोल है, गोले पे चलती है, और तुम उस गोले को भूल जाते हो।